दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका भी कोई सेक्सटॉर्शन के रिलेटेड या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए आपके पास कोई वीडियो कॉल आया था और ऐसे में एक लड़की ने आपका एक न्यूड वीडियो यानी कि अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, वो वीडियो डिलीट कैसे हो सकता है या फिर ये लोग आपका वीडियो डिलीट कब करते हैं और कैसी परिस्थितियों में करते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे उस वीडियो के बनने से लेकर उसके डिलीट होने तक की कहानी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवाड़ी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड जानकारी देकर आप लोगों को अवेयर करते हैं और आप लोगों को सुरक्षित करते हैं। दोस्तों अगर बात करें जिन लोगों के साथ ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल या फिर यह सेक्सटॉर्शन का स्कैम हुआ है, उन लोगों का एक वीडियो एक लड़की ने रिकॉर्ड कर लिया था। आपके पास जो घटना हुई थी वो इसी तरीके से हुई थी, या तो आपके पास स्टार्टिंग में जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उसी पर एक कॉल आया था या फिर आपके फेसबुक के जरिए आपके पास एक रिक्वेस्ट मिली थी, हो सकता है आपके इंस्टाग्राम से मिली हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट मिली थी और उस रिक्वेस्ट में एक लड़की ने आपसे नंबर की मांग की थी। आपने ना जाने उस लड़की को अपने नंबर दे दिए थे और ऐसे में लड़की के पास जब वो नंबर पहुंच गए थे तो उसके बाद उस लड़की का एक वीडियो कॉल आया था। आपने जब उस वीडियो कॉल को रिसीव किया था तो उसमें देखा था कि एक लड़की अपने कपड़े बारी बारी से उतार रही है और ऐसा आपको भी करने के लिए बोला गया था। आप लोगों ने किया या ना किया वो एक अलग विषय है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपने किया या नहीं किया, लेकिन उस लड़की के न्यूड होने के उपरांत जो वीडियो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था आप उसको देख रहे थे कि आपका एक 10-15 सेकंड का या एक मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया था और उस वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद उस लड़की ने आपके उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की बात कही थी। जब आपको ये बात कही थी तो उसने आपसे डिलीट और वायरल करने की भी बात कही थी, जैसा कि आपको मैं मैसेज दिखाता हूँ। इस मैसेज में जैसे लड़की बोल रही है कि जल्दी बोलो आपका वीडियो डिलीट करना है या फिर वायरल करना है। ऐसा आपके साथ भी अगर हुआ था और आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो उसके पास था उसकी एक छोटी सी क्लिप आपके पास भेजी गई थी और आपसे कहा गया था कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर YouTube पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपकी समाज में एक बड़ी बदनामी हो जाएगी और जिससे आपका जो कैरियर है खराब हो जाएगा। लेकिन जब आपने या तो उनको पैसे देकर इस मुसीबत से छुड़वाने की कोशिश की यानी कि वीडियो डिलीट कराने की बात की तो बहुत सारे लोगों ने उनको पैसा दिया, उसके उपरांत भी उनका वीडियो डिलीट नहीं हुआ था और कुछ लोगों ने तो पैसे ही नहीं दिए थे, उसको तुरंत ही ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद बहुत सारी और भी कई समस्याएं उनके सामने आई थी, जैसे उनके पास YouTube के एक ऑफिसर का भी कॉल आया था, एक साइबर क्राइम के एक ऑफिसर का भी कॉल आया था, वो भी यही बात बोल रहे थे कि आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपका वीडियो डिलीट कराना है या नहीं, अगर आप डिलीट कराते हैं तो आपके लिए इसके एवज में कुछ पैसे आपको देने होंगे, जो राशि कोई भी बताई गई होगी क्योंकि भिन्न भिन्न आदमियों को भिन्न भिन्न राशि बताई गई थी। जैसे कि किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये बताया गया था तो किसी को 50,000 रुपये भी बताया गया था, यानी कि इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके की राशि की डिमांड की गई थी। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों का पीछा छुड़वा लिया या फिर इन लोगों को पैसा देकर भी अपना पीछा छुड़वाया, लेकिन आज तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो वीडियो जो उनके पास था क्योंकि उन लोगों ने वो डिलीट किया या नहीं किया, इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा बनी हुई थी कि आखिर जो उनके पास जो वीडियो रहता है वो डिलीट होता भी है या नहीं होता, अगर होता है तो वो वीडियो किस तरीके से वो लोग डिलीट करते हैं। आज इस वीडियो में हमने बेसिकली इस टॉपिक को इसलिए चुना था कि आपको बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे कि वो वीडियो आपका डिलीट कैसे होता है। दोस्तों अगर बात करें उस वीडियो का जो आपका वीडियो बना हुआ है उन लोगों के पास और उस वीडियो को लेकर जो आपको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिन लोगों ने पैसे दिए थे और अब जाकर उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया है या फिर जिन लोगों ने पैसा स्टार्टिंग से ही नहीं दिया था, तो उन लोगों का भी इस वीडियो को डिलीट करने में क्या रहा है, क्या उनका वीडियो भी है या नहीं। दोस्तों अगर इस पूरे स्कैम को अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये पूरा जो स्कैम है सिर्फ मौखिक रूप से किया जाता है। इसमें जहां तक की अगर बात करें वीडियो वायरल करने की या फिर वीडियो कहीं डालने की आज तक कोई बात नहीं आई है, कोई कारणवश एक दो ऐसे लोगों के किसी फ्रेंड्स को या परिचित लोगों को जरूर सेंड किया गया था,
लेकिन ज्यादातर हमने जो मामले देखे हैं उनमें यही देखा है कि ये लोग वायरल नहीं करते। अब रही बात वीडियो वायरल करने की या फिर वीडियो डिलीट करने की, दोस्तों बेसिकली ये चीज सबके समझ में आई कि ये लोग पैसा लेने के लिए आप लोगों से ये जो धमकी देते हैं कि वीडियो वायरल कर देंगे, जबकि ये ऐसा करते नहीं है। क्योंकि अगर आप पैसा दे देते हैं तो आपको बार बार यही कॉल मिलता है कि आपका वीडियो वायरल कर देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। लेकिन जब आप उन्हें मना कर देते हैं कि हम आपको एक रुपया भी नहीं देंगे, तो वो लोग आपका पीछा छोड़ देते हैं। बेसिकली जिन लोगों ने पैसे दिए उन लोगों को भी अंत में हार कर ये बात उनको बोलनी पड़ी, और जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ये बात बोल दी उन लोगों का जल्द ही पीछा छूट गया था। तो यानी कि ये चीज क्लियर थी कि जिन लोगों ने ये बोला कि हम अब आपको पैसा नहीं देंगे या फिर हम पैसा नहीं देंगे, उन्हीं लोगों का ये लोग पीछा छोड़ देते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि जो व्यक्ति इन लोगों को पैसा नहीं देता है उनका वीडियो ये 3 से 4 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उसके पीछे का एक इंटरेस्ट यही है, एक आइडिया यही लगाया जाता है। ये हमारे खुद के एक विचार है, जहां तक कि हमने इस पूरे मामले को देखा, इस मामले पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, हमने इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से समझा, और उस समझने में हमने एक चीज यह जानी कि वो लोग उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जो लोग पैसा देते रहते हैं, जो लोग स्टार्टिंग में ही मना कर देते हैं, जो लोग पैसा देने के लिए मना कर देते हैं उन लोगों को 2-3 लोग कॉल जरूर करते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनके बाद उनके पास कोई भी कॉल नहीं आता है और उनका वीडियो भी कहीं वायरल नहीं होता है। लेकिन जो लोग पैसा देते रहते हैं उन लोगों का वीडियो वायरल होने के भी चांसेस उतने ही रहते हैं, क्योंकि वो लोग जब वो 2-4 दिन कैंसिल करने की सोचता है, बचने की सोचता है, तभी वो किसी न किसी को भेजने की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन लोगों का वीडियो भी काफ़ी दिन तक उन लोगों के पास सेव रहता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये व्यक्ति काफ़ी पैसे दे चुका है, इसलिए इस व्यक्ति से अभी और पैसे लेने हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्टार्टिंग में पैसे नहीं दे रहा, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति से फालतू अगर हम इससे ज़्यादा बकवास करेंगे तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारी कंप्लेंट दर्ज करा देगा, या फिर हमारे को पकड़ने के लिए या पकड़वाने के लिए प्रयास जरूर करेगा, जिसके लिए हो सकता है इसके कोई परिचित या इसके कोई मिलने वाला पुलिस वुलिस में कोई जानकार होगा तो हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट करके हमारे को पकड़वाना देते। ऐसे लोगों से जल्द ही पीछा छुड़वा लेते हैं, और इसी वजह से हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ, जो लोग पैसा नहीं दिया है या फिर जिन लोगों ने पैसा देने से बिल्कुल मना कर दिया, उन लोगों का वीडियो 2 से 4 दिन के बाद नहीं करते हैं। तो यानी कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके माध्यम से हमने उन जो भी साइबर क्रिमिनल है उनके पास 1 महीने बाद 15 दिन बाद या 2 महीने बाद जब हमने कॉल करके उन्हें कहा कि आप हमारे वीडियो को एक बार भेज कर दिखा दीजिए, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं भेजा गया। तो यानी कि इसके मतलब ये बिल्कुल क्लियर होता है कि उनके पास 10 से 15 दिन बाद उनके पास वो वीडियो नहीं रहता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अगर आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, दोस्तों अगर चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही जानकारी देकर अवेयर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय।